हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज इस वीडियो पर अपडेट लेकर आया था वो था नौकार कॉरपोरेशन लिमिटेड। बहुत लोगों की इच्छा थी कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, बहुत लोगों का ये भी था। बाइंग सेंटिमेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं 100% बता रहे हैं। बहुत से बहुत ये 26-40 का लो बना है, 169 का हाई है और ये ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सेक्टर से बिलोंग करता है। ये कंटिन्यू फॉल का एक पैटर्न बना है, कंटिन्यू फॉल कर रहा है। अब इसमें ऐसा है, ये अभी अगर 23.50 को तोड़ता है तो फिर से एक वीकनेस आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज 23.50 के स्टॉप लॉस से आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं 40 और 52 के लिए, 40 और 52 को। एक चीज़ इसके पैटर्न से ये समझ में आ रहा है कि सेलिंग प्रेशर शायद अब यहाँ पे ख़त्म होता हुआ आपको दिखे। और कल की जो क्लोजिंग हुई है और अभी ऑनलाइन चल रहा है ये, तो कहीं ना कहीं इसकी वेटेड एवरेज 28.99 का 28.90, मतलब कि जो इसकी वेटेड वॉल्यूम एवरेज के अप्रॉक्स नज़दीक ही इसकी प्राइस आपको यहाँ पे दिखती रही है। और अभी भी आज देखेंगे तो ये गिर रहा है, तो यहाँ पे कोई पेनी स्टॉक के रूप में चाहें तो इसको एक बाइंग रख सकते हैं। इसकी क्वार्टरली रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। हाँ, ज़रूर इसमें क्रूप और ट्रांसपोर्ट के जो रूल्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट सेगमेंट, ये चूँकि कंटेनर से रिलेटेड बिजनेस करता है, जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना यहाँ पर बढ़ेगा, तो आगे जा कर के कहीं ना कहीं इसको फ़ायदा होगा। क्रूड का प्रेशर हो सकता है आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो चूँकि ये कंटेनर से शिपमेंट करती है मटेरियल को, अब ये रेलवे के थ्रू भी यहाँ से शिपमेंट करना चालू किया है, तो ये एक अच्छा बिजनेस प्रोफाइल है। और अगर इसके फाइनेंशियल को भी देखें तो कोई ख़राब नहीं दिखता है। डिविडेंड नहीं पे करती है, सेल्स ग्रोथ 9.21% का है, 395 करोड़ का डेप्ट है, 3.51 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, प्राइस टू कैश 6% है और मार्केट कैप 2.95 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.26 है, प्लीज कुछ भी नहीं रखा हुआ, प्रोमोटर होल्डिंग 69% है। ऐसे ये फाइनेंशियल को कुछ ख़राब नहीं दिख रहा आपको। और एक बार प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं तो 69.03 है। ख़राब क्या है कि इसमें जो बड़े इंस्टीट्यूशनल होल्डर हैं वो अपने पैसे को निकाल के बाहर चले गए। प्रमोटर की आप होल्डिंग देखेंगे तो 69.03 मार्च 18 में भी थी और मार्च 19 में भी वही है, लेकिन FII की होल्डिंग देखेंगे तो 8.02 से 0.74 पे आ गया और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 12.91 से 10.92 पे आ गया। और अदर DII होल्डिंग ने कहीं ना 0.1 से 0.26 की ओर गया और NII होल्डिंग आप देखेंगे 8% से 19% की ओर गया। तो FII और म्यूचुअल फंड होल्डिंग यहाँ से निकला है तो बड़े फाइनेंशियल जरूर बाहर हुए हैं। अगर चार्ट पे देखें तो अगर इसके मंथली चार्ट पे एक बार वॉच करें, मंथली चार्ट को देखें तो मंथली चार्ट पे आप देखेंगे ये कंटिन्यूस लोअर लो बनाया जा रहा है, तो इसमें बाइंग सिग्नल तो बहुत अच्छी तब आएगी। लेकिन एक चीज़ है, ये जो वॉल्यूम प्राइस पैटर्न दिखा रहा है कि वॉल्यूम के साथ जा रहा है, जो यहाँ प्राइस सिग्नल नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं अब जो सिग्नल आ रही है ना, फॉल सिग्नल आ रही है फॉल की, तो मेरे अंदाज से यहाँ पे आपको इसको पेनी स्टॉक समझ के एक्यूमुलेशन करना चाहिए, ताकि कल अगर ये 1 रुपया पे भी हो गया तो आपको अफसोस नहीं होना चाहिए। तो आप पेनी स्टॉक के रूप में इसको एक्यूमुलेट करें। फाइनेंशियल अच्छा है, बिजनेस कोई ख़राब नहीं है, डम्मी कंपनी नहीं है, ये कंटेनर बिजनेस में काम करती है। तो ये सब को देखते हुए यहाँ एक जो बिजनेस मंथली बेसिस पर देखेंगे, ये जो वॉल्यूम दिखा रहा है, प्राइस एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक मैनिपुलेटेड वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन दिखाया जा रहा है। मीन्स यहाँ पे शो हो रहा है कि कोई वॉल्यूम बेस्ड डिलीवरी हो रही है आपको 1 मार्च के आसपास, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं हो रहा है मार्च महीने में जो दिखाया गया है। क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मंथ का अगर डाटा देखेंगे 22 अप्रैल से, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम जितनी हो रही है उसके 60% 70% डिलीवरी जा रहा है, 8 लाख में 5 लाख, 3 लाख में 2 लाख, अभी 2 लाख में 44, 6 लाख में 4 लाख, 3 लाख में 1,60,000, तो मोर देन 50% तो डिलीवरी में जा रही है। तो कोई ट्रेडिंग करने के लिए प्राइस एक्शन जरूर फॉल हो रहा है, लेकिन कोई ट्रेडिंग करने के लिए इसको डिलीवरी में बार बार लेके नहीं जा रहा है, या तो कोई हाई पे लेके 159 पे बैठा है और उसको एवरेज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हर लेवल पे अगर फॉल पे बाय कर रहा है तो भी गलत है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक अच्छा सेक्टर हो सकता है पेनी स्टॉक, जो कि आपको 52 तक चला जाए तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अभी भी आज का देखेंगे तो 98,000 की बाइंग में खड़े, 72,000 सेल में खड़े हैं आज का स्टेटस है। 22 मई 2010 बजकर 51 मिनट का स्टेटस है, फिर से रिफ्रेश कर देते हैं आपके सामने।
अपडेट कर देते हैं तो ये यही पोजीशन बता रहा है। और 23.60 रुपये इसका लो बता रहा है, लोअर प्राइस बैंड बता रहा है। तो मान के चलिए 23.60 रुपये अगर तोड़ता है तभी आप इसमें एग्जिट कीजिए, अदरवाइज आप इसमें बने रहिए। और फ्रेश को बाइंग करना चाहें तो पेनी स्टॉक के रूप में बाइंग करें, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर इसमें बने रहें। और एक बार इसको अपर पैटर्न बनने दीजिए, ऊपर ऊपर की ओर पैटर्न जाता हुआ दिखे तो फिर आप इसमें ट्राई कर सकते हैं बाइंग के लिए। क्योंकि अगर आप वीकली बेसिस पे भी इसको देखें तो वीकली बेसिस पे एक देखें यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग सिग्नल है वीकली बेसिस पे, तो शायद ये आपको 39 और 39 क्रॉस करता है तो 52 की ओर जाता हुआ आगे आपको दिख सकता है। और वीकली बेसिस पे आप देखेंगे यहाँ पे तो स्टॉक सारे से में एक क्रॉसओवर बन रहा है जो कि नीचे से अब ऊपर की ओर जा रहा है, एवरेज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप वीकली बेसिस पे देखिए तो मेरे अंदाज से एक पेनी स्टॉक है, 23.60 का स्टॉप लॉस रखिए और इसमें अगर चाहें तो बने रह सकते हैं। नौकार कॉरपोरेशन कंटेनर कॉरपोरेशन से रिलेटेड, कंटेनर से रिलेटेड बिजनेस से, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स से। पेनी स्टॉक 100% डिलीवरी सेंटीमेंट है, प्राइस सेलिंग 4.82, डिलीवरी परसेंटेज 60-60-60-61 दिखा रहा है, बहुत कम प्राइस टू बुक वैल्यू 0.3 में मिल रहा है आपको, तो फ्री में मिल रहा है लगभग। अभी तक इन्होंने मार्च क्वार्टर का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया, दिसंबर में इनका सेल्स वगैरह अच्छा हुआ है था तो ये रिजल्ट भी आएगा तो हो सकता है कि आपको इसमें जंप देखने को मिलेगा। और रिटर्न की बात एक बार कर लें तो रिटर्न इनका आप देखेंगे तो कंटिन्यूस नेगेटिव रिटर्न है इनका अभी तक, चूँकि 159 से गिरा है तो कंटिन्यू इनका नेगेटिव रिटर्न है, इस कारण से इसमें एक डर सा है। लेकिन फाइनेंशियल देखने के बाद लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं आप दिसंबर 18 का देखेंगे 17 के कंपैरिजन में तो धीरे धीरे ये इंक्रीज तो कर रहा है। तो ये कंपनी स्टार्टअप कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी भी है भी नहीं, तो आप देखेंगे लगभग ये यहाँ पे 1/9/2015 के आसपास ही रजिस्टर्ड हुई है और यहाँ से आप पैटर्न लेने के बाद ये कंटिन्यू एक फॉल का पैटर्न बना रही है। कोई कोई इसको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, 2 से 2.5 साल के लिए अगर कोई एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको 60-80 का रेट आपको देखने को मिल सकता है 3 साल में, तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक हो सकता है। स्टॉप लॉस 23.60 का जरूर लगाएं। तो नौकार कॉरपोरेशन कंटिन्यू आपको एक फॉल का पैटर्न बना रही है, वीकनेस है, लेकिन अब जो दिख रहा है कि हर वीकनेस के बाद डिलीवरी बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं बाइंग तो जरूर आ रही है इसमें और डिलीवरी बेस्ड बाइंग आ रही है। और यहाँ वॉल्यूम और प्राइस एक्शन से भी ये देखने को समझ में आ रहा है कि ये जो फॉल प्राइस एक्शन है तो आप चाहें तो इसका एक और चीज़ है, आप चाहें तो इसके मूविंग एवरेज को भी आप देख सकते हैं। मूविंग एवरेज में भी अगर आप चेक करें तो कहीं ना कहीं 42 दिखता है, यहाँ से देखिए यहीं पे से क्रॉस ओवर हुआ था, ये इस लेवल से कुछ क्रॉस ओवर हुआ है, ये हाई तो बनाया है 233 का लेकिन उसके यहाँ से जो क्रॉस ओवर हुआ 186 से तो कंटिन्यू ये नेगेटिव गया हुआ है। और अब आप देखेंगे तो इसके जो नीचे तक जाएंगे तो बहुत कम नहीं, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फॉल यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिले, लेकिन अगर कोई चाहते हैं बनाना अभी भी बना सकते हैं लेकिन 42 के बाद बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 42-80 जाएगा वहाँ पे बनाएंगे, लेकिन आप बोलेंगे उसे मैं ऊपर चला गया है, मिस हो गया है, तो इसलिए थोड़ी सी क्वांटिटी चाहें तो आप बना सकते हैं, पेनी स्टॉक समझ के इसमें पोजीशन में रह सकते हैं। इससे अच्छे अच्छे और भी स्टॉक मार्केट में हैं, ज़रूरी नहीं है कि फॉलिंग नाइन्स पर आपको काम करना चाहिए, ये बहुत अच्छी कंपनी भी नहीं है
अभी स्टार्टअप है इसका 2015 से ही है, तो ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं लगा, ज़्यादा फंड और पैसा इसमें नहीं फंसाए, क्योंकि अभी भी अगर ये फॉल हो रहा है, हो सकता है कि कंटिन्यू हो तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, लेकिन वॉल्यूम परसेंटेज और डिलीवरी से लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा कुछ देखने को आपको मिल सकता है। मोर देन 60% की डिलीवरी हो रही है, हो सकता है कि प्रमोटर लोग भी कोई उसमें बाइक कर रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे एक पोजिशन बनानी चाहिए पेनी स्टॉक समझ के, ना कि आप इसको अपने पोर्टफोलियो स्टॉक समझ के बना लें। तो पेनी स्टॉक के साथ इसमें आप चाहें तो 39 और 52 को टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 23.60 रुपये से रख सकते हैं। मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है इस स्टॉक पे। आपको कोई भी पोजीशन बनानी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही बनाएं, क्योंकि आपका रिस्क हैबिटेट क्या है वो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़्यादा अच्छा जानता है, तो आप उनसे पूछ के बात करके फिर आप इस पर कोई पोजीशन बनाएं। मेरे कहने से कोई भी पोजीशन मार्केट में बनाने के लिए नहीं है, ये मेरा सिर्फ ओपिनियन है, व्यू है कि डिलीवरी परसेंटेज इसका जो देख करके मुझे अच्छा लग रहा है, इससे मोर देन 60% डिलीवरी जा रही है, तो ये एक अच्छा काम कर सकता है फ्यूचर के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।